लोग बुराई करें और आप दुखी हो जाएं, लोग तारीफ करें और आप खुश हो जाएं, तो समझ लेना कि आपने अपने आप को वह कठपुतली बना लिया है जिसके सुख और दुख दूसरों के हाथ में हैं। जिंदगी में अगर खुश रहना चाहते हो तो लोगों की बातों को कभी दिल पर नहीं लेना चाहिए, क्योंकि लोग तो अमरूद खरीदते समय पूछते हैं मीठे हैं ना, और बाद में नमक लगाकर खाते हैं। लोग आपके मुंह पर तो यह जरूर बोलेंगे कि वह चाहते हैं कि आप सफल हो जाओ, लेकिन अंदर ही अंदर यह बिल्कुल भी नहीं चाहते हैं कि आप उनसे भी ज़्यादा सफल हो जाओ। दूसरों को अपने बारे में सफाई देकर अपना वक्त बर्बाद ना करें। लोग उतना ही समझते हैं जितना उनकी औकात होती है, दिलों से खोट और जुबान से प्यार करते हैं। बहुत से लोग बस यही व्यवहार करते हैं। मिजाज अपना कुछ ऐसा बना लो, कोई कुछ भी कहे बस मुस्कुरा दो। जिंदगी में कुछ बड़ा जरूर हासिल करो, अपने लिए नहीं उनके लिए जो तुम्हें नाकामयाब देखना चाहते हैं। और अपनी काबिलियत को खुद ढूंढो, अपनी तुलना कभी किसी और के साथ नहीं करना। दोस्तों, एक बार में कोई भी कोशिश सफल नहीं होती, असफलता यह बताती है कि हमने अपने समय का सही उपयोग नहीं किया है। अगर हम अपने जीवन में कुछ बेहतर करना चाहते हैं तो हमको सबसे ज़्यादा अपने कीमती समय पर ध्यान देना होगा, क्योंकि आजकल दुनिया बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रही है। अगर आप इसके साथ नहीं चलेंगे तो निश्चित ही पीछे हो जाएंगे। सही समय पर सही काम करने से ही सफलता मिलती है। किसी ने क्या खूब कहा है, ना हारना जरूरी है ना जीतना जरूरी है, जीवन एक खेल है, इसे खेलना जरूरी है। दोस्तों, कामयाबी हाथों की लकीरों में नहीं बल्कि माथे के पसीने में होती है। दोस्तों, बहुत खुशकिस्मत होते हैं वह लोग जिनको समय पर समझ आ जाती है। कभी भी यह मत सोचिए कि आप कुछ भी नहीं हैं, और कभी ऐसा भी मत सोचिए कि आप ही सब कुछ हैं, पर हमेशा यह सोचिए कि आप कुछ तो हैं जो सब कुछ कर सकते हैं। ख्वाहिशों से नहीं गिरते हैं फूल झोली में, कर्म की साख को हिलाना होगा। कुछ नहीं होगा कोसने से, किस्मत को अपने हिस्से का दिया खुद ही जलाना होगा। मन का दड़पण कभी आपको झूठ नहीं बोलने देगा, आपका ज्ञान आपको कभी भयभीत नहीं होने देगा, हृदय का सच आपको कभी कमजोर नहीं होने देगा, आपका विश्वास कभी आपको दुखी नहीं होने देगा, और आपकी मेहनत कभी आपको असफल नहीं होने देगी। एक बात हमेशा याद रखना, एक छोटा बदलाव एक बड़ी कामयाबी का हिस्सा होता है। कोशिशों पर कोशिशें जो करता लगातार है, सही मानने में वही जीत का हकदार है। एक बार में जो हार मान ले उस पर तो धिक्कार है, अपनी बदहाली का फिर वो खुद ही जिम्मेदार है। असफलता का मतलब यह नहीं होता कि आप अब कुछ नहीं कर सकते, इसका मतलब सिर्फ यह है कि आप अभी तक सफल नहीं हो पाए। अगर लगने लगे कि लक्ष्य हासिल नहीं हो पाएगा तो मंजिल नहीं प्रयास बदलिए। जमीन पर बैठकर क्यों आसमान देखता है, पंखों को खोल जमाना सिर्फ उड़ान देखता है।